मनीषा रानी तो नार्सिसिस्ट हैं। पूजा भट्ट का एक स्टेटमेंट पोल खोल देता है इस बॉलीवुड की, इस इंडस्ट्री की, जो चाचा भतीजावाद की दुनिया पे या फिर उनकी बुनियाद पे चलती है। दोस्तों सेम यही सेंटेंस सुशांत सिंह राजपूत के लिए इस्तेमाल किए गए थे। वो सुशांत सिंह राजपूत जो कि बिहार से थे, जिनका फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं था, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को ए ग्रेड स्टार की कैटेगरी में रखा था, उनके लिए भी यही स्टेटमेंट सेम पास हुए थे और उन्होंने भी क्या किया था हम सब जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल दिल्ली खजाना, मैं राहुल भोज। मेरा दूसरा नया चैनल राहुल भोज कॉमेडी है, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दिया है, जरूर जाके देखिएगा एक बार। ये धक्के अनुसी सोच जो पूजा भट्ट जी ने बोली बिग बॉस के एपिसोड में, ये दर्शाता है उस बॉलीवुड को जो कि बाहर के लोगों के लिए, हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए इंटॉलरेंट है। वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग अपने जो सपने देखे हैं वो पूरा करें, अपने जो सपने हमने सजोए हैं, जो बचपन से सपने देखे हैं उनको कंप्लीट करें हम। मनीषा रानी, क्या गलती उसकी? अगर वो, पहले तो मैं आपको नार्सिसिस्ट का मतलब समझाता हूं। वो व्यक्ति जो ये सोचता है कि पूरा जो वर्ल्ड है, या फिर वो चाहता है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो उसके इर्द गिर्द घूमे। मैं जानना चाहता हूं कि बॉलीवुड के सो कॉल्ड जो ये फिल्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बच्चे बच्चियां, तो उनको क्यों नहीं बोला जाता कि वो नार्सिसिस्ट हैं? यही सेम स्टेटमेंट सुशांत सिंह राजपूत, या फिर यही सेम स्टेटमेंट सो कॉल्ड कंगना रनौत, या फिर यही सेम स्टेटमेंट मनीषा रानी के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? मनीषा रानी जो कि एक छोटे मुंगेर से आती हैं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं आधे से ज्यादा इंडिया ने मुंगेर का नाम सुना ही नहीं होगा, जो बिहार के मुंगेर से आती हैं, जो गांव की लड़की है, जिसने अपने आप को शिक्षित किया, जिसने अपने आप को इतना स्ट्रगल किया, जो कि इवेंट्स करती थी, जो कि कैटरिंग करती थी, जो कि इंस्टाग्राम पे वायरल हुई, जो कि यूट्यूब पे वायरल हुई, आज जो आप ही के लेवल पे खड़े होके आप ही के शो में आपको टक्कर देते हुए आगे बढ़ रही है मैक्सिमम तरीके से, जिससे जनता का ज्यादा प्यार मिल रहा है, आप उसको नार्सिसिस्ट कह रहे हैं? तो भाई नार्सिसिस्ट अगर कहना है तो उन लोगों को भी कहो, बॉलीवुड की सो कॉल्ड पापा की परियों को भी बोलो, जो कि चाहती हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है उनके इर्द गिर्द घूमे, या फिर बॉलीवुड के उन शहजादाओं को भी कहो जो कि चाहते हैं कि उनके उनके लिए कभी आर्टिकल ऐसे क्यों नहीं लिखे जाते, उनके लिए ऐसे कभी स्टेटमेंट क्यों नहीं पास किए जाते। वो उनका शौक शौक, उनका नार्सिसिस्टपन नार्सिसिस्टपन, वो नार्सिसिस्टपन नहीं, वो सेल्फ ऑब्सेशन, या फिर वो क्यूट है ये दिखाया जाता है, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको आप नार्सिसिस्ट बताते हो, अपॉर्चुनिस्टिक बताते हो, ऐसा क्यों? अपॉर्चुनिस्ट सॉरी, आप उनको बताते हो ऐसा क्यों? और ये पूजा भट्ट ही नहीं, ये तमाम उन बॉलीवुड के सो कॉल्ड इंटरनल जो फैमिली लिंक कनेक्टेड है, ये सभी तमाम लोग यही बात बोलते हैं। सुशांत भाई के लिए यही स्टेटमेंट पास किया था एक बड़े डायरेक्टर ने कि वो नार्सिसिस्ट है, उसके लिए सुशांत भाई के लिए इसी तरीके के फॉल्स आर्टिकल्स डाले जाते थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आर्टिकल्स मौजूद हैं, और इसी बारे में कंगना रनौत ने जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी उसी दौरान ये बात भी बोली थी कि उसके खिलाफ ये स्टेटमेंट्स लिखे जाते थे। क्यों किसी बॉलीवुड वाले के इंटरनल ये बात नहीं बोली जाती? क्यों यहां पे? क्या हमने बिग बॉस के खेल नहीं देखा है? हैं, शहनाज गिल जो कि चाहती थी कि पूरा घर उनके इर्द गिर्द घूमे, सिद्धार्थ उनकी तारीफ करे, ये वो करे, ऐसा वो करे, ठीक है, उस टाइम पे तो क्यूट लगा था लोगों को, उस टाइम पे तो वीकेंड पे क्लास भी नहीं लगी थी, उस टाइम पे तो अप्रिशिएट किया जाता, नहीं शहनाज आप जैसी हो सही हो। और आज मनीषा जो कि एकदम ठेठ गांव से बिलोंग करती है उसको आप नार्सिसिस्ट बना देते हो, भाई ये क्या दोगलापन है, ये किस तरीके की हिपोक्रेसी, और ये किस तरीके से इंडस्ट्री वाले जो है बाहर के जो स्ट्रगलर्स हैं उनको इस तरीके से ट्रीट करें? सवाल मैंने आपके लिए रख दिया है, जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और दूसरे चैनल राहुल भोज कॉमेडी को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलता हूं दोस्तों, अपना ख्याल रखें।